my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Students, in our previous video lecture, we have discussed about conservatives and their new conservatism order after 1815. I hope by now you must have seen that video. If not, then do check that out. So students, as you know, European society mein har category ya belief system ke log exist karte the. कुछ कंजर्वेटिव अप्रोच के थे और कुछ लिबरल्स थे. तो लिबरल फ्रीडम, लिबर्टी, डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे एंड ऑन द अदर हैंड कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस, कस्टम, कल्चर, ऑटोक्रेटिक एंड मोनार्कियल रूल को सपोर्ट करते थे और उनको प्रिजर्व करने की बात बोलते थे. एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया गया, ट्रीटी ऑफ वियना बनी, जिसका मेन पर्पस था मोनार्कियल रूल को या मोनार्की को रिस्टोर कराना फिर से ऑल ओवर द यूरोप, जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था. एंड जो भी कंजर्वेटिव्स होते थे वो किसी भी टाइप के क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते थे एंड जो कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होता था उनकी वो उन एक्टिविटीज़ पे रोक लगा दिया करते थे. सेंसरशिप लॉस इम्पोज करते थे मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स पे, हर एक चीज़ पे रोक लगाते थे जो उनके खिलाफ होते थे. सो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मुद्दा बनाते हुए रिवोल्यूशनरीज ने एंट्री ली. सो स्टूडेंट्स, लिबरल्स या रिवोल्यूशनरीज वो लोग होते हैं जो क्विक चेंजेस चाहते थे यूरोप में फॉर द बेटर, जो रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस में बिलीव रखते थे या यू कैन से जो क्रांतिकारी होते थे, जो रिवोल्यूशन चाहते थे सोसाइटी में, उन सबको लिबरल्स या रिवोल्यूशनरीज बोला जाता है. ये वो लोग थे जो डेमोक्रेसी जैसे आइडियल्स में बिलीव रखते थे, राइट टू फ्रीडम में बिलीव रखते थे, राइट टू वोट में बिलीव रखते थे, इक्वालिटी में बिलीव रखते थे एंड मोनार्कियल या ऑटोक्रेटिक किंग रूल को ओवरथ्रो करना चाहते थे. तो चलिए पढ़ते हैं हम रिवोल्यूशनरीज के बारे में और इसी का एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, जो है जीसीपी मेजीनी का. ये बहुत ही जाना माना नाम था इटालियन यूनिफिकेशन में, इटली की यूनिफिकेशन में, इटली को यूनिफाई कराने में इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था. चलिए तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. Students, as you can see in the slide, during the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. So, student, kahani ye aati hai ki 1815 ka time chal raha tha. Us dauran न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर लागू हुआ था यूरोप में, मोनार्कियल रूल फिर से इस्टेब्लिश हुआ था, ऑल द मॉडर्नाइज्ड वे में हुआ था, बट स्टिल एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो दैट कंजर्वेटिव्स ने सेंसरशिप लॉस इम्पोज कर दिए थे यूरोप में. कोई भी इंसान या यूनियन उनकी अगेंस्ट कुछ पब्लिश नहीं कर सकता था न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में, मीडिया में. तो ऐसे सिनेरियो में जितने भी लिबरल्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, नेशनलिस्ट थे, उन सबको रिप्रेशन का डर सताने लगा. रिप्रेशन मींस उनकी आवाज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को जो ये कंजर्वेटिव दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे यूरोप में, उसे हम रिप्रेशन कहते हैं. तो इसी डर में ये सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए थे एंड उन्होंने बहुत सारी जगह अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी रिवोल्यूशनरीज़ को, आइडियाज़ को उनके प्रमोट किया जाता था कि हमें एक नेशनलिस्ट सोसाइटी बनानी है. नेशनलिस्ट फीलिंग्स आने लग गई थी लोगों में. बट ये जो सारा काम हो रहा था यूरोप में उस टाइम पे ड्यूरिंग 1815, छुप छुपा के किया जा रहा था अंडरग्राउंड होकर, सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation-state as a necessary part of this struggle for freedom. So, student, new conservative order jo bana tha, usme Treaty of Vienna banai gayi.
एंड ये वियना कांग्रेस जो थी वो ऑटोक्रेटिक इन नेचर थी और इन्हीं को अपोज करने के लिए लिबरल रेवोल्यूशनरीज आए एंड ड्यूरिंग दिस टाइम रेवोल्यूशनरी कहलाने के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट और डेडिकेशन चाहिए होती थी जो पूरी तरीके से मोनार्कियल रिफॉर्म्स के खिलाफ होते थे एंड इनका एक ही मकसद था नेशन स्टेट बनाना लिबर्टी एंड फ्रीडम पाना ऑटोक्रेटिक किंग रूल से और यू कैन से मोनार्कियल रूल से अपने आप को आज़ादी दिलवाना तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा एंड इन सारी चीज़ों का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा अपनी एनसीईआरटी बुक में भी वो है ज्यूसेप्पे मैज़िनी की कॉन्ट्रीब्यूशन इटली की यूनिफिकेशन के लिए इटली को आज़ादी दिलवाने के लिए ज्यूसेप्पे मैज़िनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे और इनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इटली की यूनिफिकेशन में इटली को आज़ादी दिलवाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है बहुत एफर्ट्स लिए हैं तो चलिए जानते हैं कि ज्यूसेप्पे मैज़िनी कौन थे और क्या इनका मोटिव था Students, as you can see in the slide, Mazzini was an Italian revolutionary. ये Italy से belong करते थे, Italian revolutionary थे. He was born in Genoa in 1807. इनका जो hometown था, वो Genoa था, Italy में. 1807 में ये पैदा हुए थे. उसके बाद, he became a member of the secret society of the Carbonari. कार्बनरी एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम है तो ये उसके मेंबर थे एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया सो स्टूडेंट जब ज्यूसेप्पे मैज़िनी 24 साल के थे तो इनको इन्हीं के देश से निकाल दिया गया था इटली से इनको एग्जाइल कर दिया गया था निकाल दिया गया था इनका देश निकाला हो गया था 1831 में बिकॉज इन्होंने लिगुरिया एक जगह है वहाँ पर इन्होंने रिवोल्यूशन किया था रिवोल्ट किया था इसी वजह से इनको निकाल दिया गया था अपने ही देश से देन अपार्ट फ्रॉम दिस ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज फर्स्ट यंग इटली इन मर्सिलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड फ्रांस इटली एंड द जर्मन स्टेट्स सो स्टूडेंट जो ज्यूसेप्पे मैज़िनी थे कार्बनरी के तो पहले वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे ही थे आफ्टर दैट उन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जो पहली थी उसका नाम था यंग इटली मर्सिलीज़ में और दूसरी जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो थी यंग यूरोप इन बर्ने जहाँ पे जो पोलैंड था फ्रांस था इटली है और जो जर्मन स्टेट थी उनके यंग मैन थे सारे ये लोग आपस में बैठ के सीक्रेट सोसाइटी में डिस्कस करते थे ट्रेनिंग लेते थे कि किस तरीके से कंजर्वेटिव ऑर्डर के खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठा पाए मजबूत कर पाए तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट इससे वन मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ज्यूसेप्पे मैज़िनी के रोल के बारे में इटली के यूनिफिकेशन में क्या इनका हाथ था ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और सीक्रेट सोसाइटीज़ के नाम भी पूछे जाते हैं तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इसके अलावा स्टूडेंट्स मैज़िनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड सो Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. So students, जो मैज़िनी थे उनका एक बिलीव सिस्टम था वो इस बात पे बहुत अच्छे से मानते थे बहुत स्टॉन्चली बिलीव करते थे कि जो भगवान है ये भगवान की इच्छा है इंटेंड है कि नेशन जो है वो एक नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड के सब एक साथ रहना चाहते हैं एकजुट होकर रहना चाहते हैं नेशन स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहते हैं इंडिपेंडेंस चाहते हैं ऑटोक्रेटिक रूल्स से एंड जो इटली था अर्लियर बहुत सारे जब नेशन स्टेट इटली नहीं बना था तो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स में विभाजित था डिवाइडेड था सो मैज़िनी का मानना था कि इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स इट हैड टू बी फॉर्ज्ड मतलब डेवलप्ड होना
into a single unified republic within a wider alliance of nations. तो जेसीपी मेजीनी का ये मानना था कि जो इटली है वो बटा हुआ नहीं होना चाहिए स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स में, एक रिपब्लिक नेशन कहलाना चाहिए अमंग ऑल द नेशंस. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, Giuseppe Mazzini is also of the view that this unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Duke Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. So students, Mazzini का मानना था कि अगर इटली को यूनिफाई करा दिया जाए, एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए rather than in small states and kingdoms, तो ये इटली की लिबर्टी या यू कैन से इंडिपेंडेंस के लिए बेस्ट रहेगा. एंड इन्हीं सब Mazzini के आइडियाज़, रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस एंड सीक्रेट सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से, मॉडल से, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग से बड़े सारे देशों के और लोग भी प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए एंड उन्होंने भी अपने यहाँ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करा ली, जैसे कि इन पोलैंड, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा. एंड इवन जो कंजर्वेटिव थे ड्यूक Metternich, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये बोला एंड लिखा था कि Giuseppe Mazzini के रिलेंटलेस देखकर, रिलेंटलेस मीन्स हेट्रेड देखकर, ऑपोजिशन देखकर टुवर्ड्स कंजर्वेटिव ऑर्डर, मोनार्कियल रिफॉर्म, उन्होंने ये तक कह दिया था कि Giuseppe Mazzini इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर. बहुत खतरनाक दुश्मन थे ड्यूक Metternich के अकॉर्डिंग कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर के Giuseppe Mazzini. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा. इस पर्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट बी लॉन्ग बी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो लेक्चर. इफ़ यू डिड सो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.